नमस्कार, मैं प्रेरणा शर्मा थिंक टैंक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बने ज्यादा लंबा वक्त तो हुआ नहीं है। 6 महीना एक माइनर वक्त होता है किसी भी पार्टी के लिए, जिसे राजनीति में हम लोग हनीमून पीरियड भी कहते हैं। कि किसी भी पार्टी के शुरुआती दिन के जो 1-1.5 साल होते हैं वो तो हनीमून पीरियड होते हैं। अब इस पीरियड में आम आदमी पार्टी एक ऐसा भयंकर स्वरूप ले चुकी है पंजाब में, जिसे हम कह सकते हैं तांडव मच रहा है पंजाब में। आतंकी संगठन खुलेआम घूम रहे हैं पंजाब में। क्या है पूरा मामला, जानिए आज की इस रिपोर्ट में। दोस्तों, पंजाब और दिल्ली दो ऐसी जगह हैं जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है, और दिल्ली का तो हम सभी जानते हैं। आजादी के बाद से जो सबसे भयावह दंगे हुए हैं दिल्ली में, वो ताहिर हुसैन ने करवाए हैं, और जिनके पक्ष में संजय सिंह आम आदमी पार्टी के खुलकर रोडों पे उतरे थे। एक ऐसा ही मामला पंजाब से सामने आया। पंजाब से समय समय पर ऐसे मामले सामने आते रहते हैं जहां पर कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ती हैं, और ये सारे कारनामे होते हैं सरकार के संरक्षण में, सरकार की देखरेख में। और ये वही लोग होते हैं जो या तो पार्टी के समर्थन में होते हैं या फिर पार्टी के साथ होते हैं। हाल ही का मामला आया है तरन तारण से। तरन तारण के एक पुलिस स्टेशन पर रॉकेट से हमला किया गया। और अब सोचिए, हमला किया किस चीज से, रॉकेट लॉन्चर से, और किया किस पे, पुलिस स्टेशन पे। और इसका जिम्मा किसने लिया है, आप हैरान हो जाएंगे। इसका जिम्मा लिया है SFJ। ये पार्टी है जो आम आदमी पार्टी के समर्थन में है और जिसे भारत सरकार ने आतंकवादी घोषित कर दिया है। अब आप देखिए, ये पहला मामला नहीं है, तमाम तरीके के ऐसे मामले वक्त वक्त पर पंजाब से सामने आ रहे हैं, जो भयानक तस्वीर को सामने रखता है आम आदमी पार्टी की। हत्याएं तो बहुत नॉर्मल सी बात है, सरेआम हत्याएं हो रही हैं, चाहे कोई बड़ा सिंगर हो, चाहे सुपरस्टार हो। धमकियां तो रोडों में चने के भाव बिक रही हैं, जैसे चना चोर बच्चे खा के फेंक देते हैं ना कागज में, वैसे धमकियां फेंक रही हैं पंजाब में। कभी किसी को धमकी मिल जाती है, कभी किसी को धमकी मिल जाती है। इसी भीड़ में तमाम तरीके की घटनाएं एक एक करके शामिल हो रही। ऐसी एक घटना मोहाली से सामने आई थी, जहां पुलिस के खुफिया भवन पर रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया था। अब आम आदमी पार्टी के सरकार बनने के बाद ऐसा हो क्यों रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी ही क्यों पंजाब में? सबसे पहली बात तो उसकी जो फ्री की रेबड़ी वाली पॉलिटिक्स है, बिजली पानी पढ़ाई जो भी है, ये सब तो है ही है। उसके अलावा जब पंजाब में कांग्रेस पार्टी से लोग निराश चल रहे थे, तब लोगों को एक नया विकल्प दिखा। उसके बाद लोगों ने आम आदमी पार्टी को चुना। उसके अलावा आम आदमी पार्टी खालिस्तान को जो सपोर्ट करती है, वो किसी से छुपा नहीं है। आम आदमी पार्टी के विधायक संजय खैरा खुलेआम खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं, ये हम सभी जानते हैं। तमाम तरीके से हमने पिछले दिनों देखा किस तरीके से खुलकर उन्होंने खालिस्तान का सपोर्ट किया। तो आम आदमी पार्टी की सरकार बनने का सबसे बड़ा कारण आपको बता दिया है, उसकी फ्री की रेवड़ी वाली पॉलिटिक्स, खालिस्तान को सपोर्ट। और तीसरा जो सबसे बड़ी बात है, वो है कांग्रेस से नाराजगी जनता में कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी, तो इस वजह से आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई। लेकिन अब आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद से तमाम तरीके की आतंकवादी गतिविधियां जो हैं, जो एक तरीके से दंगाई सड़कों पर उतर आए हैं, ये चीजें पंजाब में ज्यादा क्यों हो गई हैं, ये सबसे बड़ा सवाल। दोस्तों, पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही है, क्योंकि पुलिस क्या करे जब ये सारी गतिविधियां सरकार के संरक्षण में हो रही हैं। जो जांच एजेंसियां होती हैं, उन्हें कई प्रकार की रिपोर्ट सौंपी हैं सरकार को कि पंजाब में ऐसा ऐसा होने वाला है, लेकिन सरकार ने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि ये सारी चीजें सरकार के संरक्षण में ही हो रही हैं, सरकार की देख रेख में हो रही हैं। पटियाला का किस्सा आपको याद होगा, पटियाला में किस तरीके से सिख वॉर जस्टिस ने खालिस्तान की मांग करी, और किस तरीके से खालिस्तानियों का एक पूरा झुंड रोड पर उतर आया, आक्रोश रोड पर दिखा। ये आम बात है, आप कहीं पे भी खालिस्तानियों की भीड़ जो है रोड पे दिख सकती है, ये कोई भी बड़ी बात नहीं है। अमृतसर की बात लगा लीजिए, अमृतसर में पुलिस का फुल संरक्षण मिला सरकार का। खालिस्तानी जो थे, उन्हें अपना प्रदर्शन करने के लिए सरकार फुल सपोर्ट करती है, पूरा संरक्षण देती है। तो ऐसे में इस बात पे किसी इस बात को बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता है कि किस तरीके से पंजाब में सरकार ढील दे रही है, और पंजाब की सरकार किस तरीके से अपने कामों को दबाने की कोशिश कर रही है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में क्या किया, ये हम सभी जानते हैं। फ्री की रेवड़ी जिस तरीके से
लोगों में बांटे हैं, अपना बिजली पानी पढ़ाई शिक्षा का जो मॉडल लोगों को दिखाया है वो हम सभी जानते हैं। दिल्ली में 60 सालों से एक भी स्कूल नहीं बना, दिल्ली में 60 सालों से एक भी अस्पताल नहीं बना, अस्पताल में किसी तरह की कोई नई मशीन नहीं आई है, स्कूल में यदि एक क्लासरूम बना भी है तो वो भ्रष्टाचार के लिए बना है। तो ये है अरविंद केजरीवाल का मॉडल, जिस मॉडल का हवाला देकर वो पंजाब में घुसे तो थे, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर जो वहां की जनता है उसकी आंख खुल गई है और सभी लोग शायद अपने किए पर पछता रहे हैं। जैसे दिल्ली का मुसलमान सोचने पर मजबूर हो गया है कि हमने आम आदमी पार्टी को आखिरकार वोट क्यों दिया। ये बात केवल एक शहर की नहीं है, तमाम तरीकों के शहर की बात है, लेकिन पुलिस कुछ भी नहीं कर पाई। पुलिस करेगी कैसे, क्योंकि पूरा संरक्षण सरकार की तरफ से मिल रहा है। अब आपको बता दें, जब इस पूरे मामले में झोल दिखाई दिया, केंद्र सरकार भी हक्की बक्की रह गई और एनआईए की जब रिपोर्ट सामने आई तो आप दंग रह जाएंगे। पंजाब के अलगाववादी और खालिस्तान के हिस्ट्री शीटर्स में एक आंतरिक गठजोड़ दिखाई दिया जिसके तार विदेशों तक जुड़े हुए हैं। ये एक मामला नहीं है जहां पर इस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया गया हो। इससे पहले अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में घुसकर तरीके से खालिस्तान के नारे लगाए गए, ये हम सभी ने देखा है। आपको बता दें, ये सारा प्रदर्शन हो रहा है केवल ऑपरेशन ब्लू स्टार को रोकने के लिए। अब एनआईए की जब रिपोर्ट सामने आई, जब आंतरिक गठजोड़ की बात सामने आई, ये सुनकर सभी दंग रह गए और इसकी तार विदेशों तक जुड़ी है। ये सुनकर आप शायद दंग रह जाएंगे, लेकिन ये एनआईए की रिपोर्ट कह रही है। और इस पूरे आंतरिक गठजोड़ के जो तार हैं वो विदेशों तक तो जुड़ ही रहे हैं। जो इनके हिस्ट्री शीटर्स हैं वो कनाडा ऑस्ट्रेलिया में बैठे बैठे पंजाब में खेल रहे हैं और इसके तार जुड़ रहे हैं सीधा सीधा पंजाब सरकार से, यानी कि आम आदमी पार्टी से। तो आम आदमी पार्टी की मुसीबतें जो है बढ़ती जा रही हैं, लेकिन पंजाब के जो हालात हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। किस तरीके से, पंजाब में धर्मांतरण तो चल ही रहा है, खालिस्तान विरोध भी चल रहा है, लोग सड़कों पर उतर आ रहे हैं, सरेआम हत्याएं चल रही हैं, आतंकवाद सड़कों पर पसर रहा है। अब तमाम तरीके से कोशिश की जा रही है पंजाब को उजाड़ने की, लेकिन अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। मामला बहुत गंभीर है, एनआईए ने जांच रिपोर्ट सौंपी है सरकार को, अब देखते हैं क्या एक्शन होता है इस पे। लेकिन आज की रिपोर्ट बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली खबर के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी से इजाजत चाहते हैं, नमस्कार।